आज कौन आने वाला है? आज एक स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा, इनकी समस्या क्या है? उसकी पढ़ाई नहीं हुई है। तो क्या पढ़ाई करवानी है उसकी? बुलाओ उसे। जी आ गए गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, आओ बैठो। वत्स माय सेल्फ कल्याण, नॉट वत्स। जरा कल्याणम कर दूंगा, बैठ नीचे। क्षमा गुरुजी। कोई बात नहीं वत्स, तुम्हारी क्या समस्या है बताओ। तो गुरुजी कल मेरे एग्जाम है। हाँ तो ये तुम्हारी समस्या है? मत जाओ एग्जाम में। अरे नहीं गुरुजी, कल मेरे एग्जाम है और पढ़ाई नहीं हुई है। तुम पहले समस्या ठीक से बताओ। कल तुम्हारी एग्जाम है वो समस्या है कि पढ़ाई नहीं हुई है वो समस्या है? अरे गुरुजी, कल मेरी एग्जाम है, मैं फेल हो जाऊंगा परीक्षा में, तो ये मेरी समस्या है। देखा, फिर तुमने समस्या बदल दी। चलो ठीक है, अपने हस्त मुझे दो। हस्त? हाथ हाथ। हाँ तो तुम्हें इंग्लिश समझ आती है? राइटी हो या लेफ्टी? लेफ्टी। फिर अपने राइट हैंड दिखाओ। ठीक है। अरे ये क्या, तुम्हारे भविष्य में तो फूड पॉइजन होगा, ऐसे लिखा है। ओह नो। फूड पॉइजन मतलब? मैं कितना वक्त है मेरे पास? कुछ नहीं, फूड पॉइजन मतलब पेट खराब होगा। आज सुबह तूने संतरा और दूध पिया था? आपको कैसे पता? काम है मेरा। तेरे साथ बचपन में हादसा हुआ था। तू ना दिल का बहुत अच्छा है, लोगों का भला सोचता है, लेकिन तुझे लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ गुरुजी, बचपन में तेरे हाथ से खून हुआ था है ना? हाँ, मैंने एक चींटी को मारा था। इसी कर्म की सजा तुम भुगत रहे हो? गुरुजी सिर्फ एक चींटी को मारा इसलिए इतनी बड़ी सजा? अरे क्योंकि अगले दिन उसका भी एग्जाम था ना, गरुड़ पुराण में इसके लिए अलग से सजा है। कैसी सजा? चींटी मारम एग्जाम फेलम। मतलब अंग्रेजी में यू गेट सर्व व्हाट यू डिजर्व। तूने एग्जाम के पिछले दिन चींटी को मारा, तो उन कर्मों को अभी भुगतना पड़ेगा। गुरुजी इस सजा को पोस्टपोन कर सकते हैं? पोस्टपोन तो नहीं हो सकता, डिलीट करना हो तो बोल। अरे वाह, डिलीट ही कर दो फिर। अच्छा पप्पी देनी पड़ेगी? 5,000 होगा। 5,000 रुपए? सजा डिलीट करनी है हमें। और अगर पोस्टपोन करनी होती तो? 3,000। निकलता हूँ, मेरा 1,000 रुपए फीस है एग्जाम का, 5 बार भर लूंगा। अरे रुको गुरुजी, इसका तो फेस रीडिंग करना रह गया। मैंने तुझे वो शिक्षा प्रदान की है, तू ही कर फेस रीडिंग, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। वाह क्या फेस कट है, क्या जॉलाइन है। वाह वाह। उई, उई, उई। अरे वो नेपू का है ना, इसलिए उई भी करता है। ए, उई नहीं, यू होता है वो, और नेपू नहीं, पुणे बोल पुणे। क्या ज्योतिष बनेगा रे तू? गुरुजी बहुत चालक है ये बंदा, देखा इसने झट से मेरी चालाकी पकड़ ली। तू बहुत चालक है, तू बहुत टैलेंटेड है कल्याण, तुझ में है कल्याण, तुझ में है, तू कर सकता है। हे पिंटा, इसका नंबर ले। अरे पिंटू इसके बेटे का नाम है, और इसे आदत हो गई है, घर पे किसी का भी फोन आता है तो ये अपने बेटे को कहता है नंबर लेने के लिए। अरे बातों बातों में बोल रहा, लेकिन देखो कल्याण, तुम्हें मेरी कहानी बताता हूँ। 3 साल पहले मैं भी एक एग्जाम में फेल हुआ था, मेरे घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी दूसरे संतान की। अरे देखा गुरुजी, बहुत होशियार है ये बंदा, मैंने कहा था ना। कहा था मैं? घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी थी। बच्चा फेल होगा तो उम्मीद छोड़ ही देंगे ना। तो मेरे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने उम्मीद छोड़ दी थी। सब कहते थे कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखा सही कहा था उन्होंने। देखो लेकिन आज मैं ऑडी मर्सिडीज चलाता हूँ, ड्राइवर का काम तो मिला ही होगा। अरे गुस्सा मत हो, बकरा फंस रहा है, संयम रख। अगर कल्याण तू भी मेरे जैसे लाइफ जीना चाहता है तो तुझे एक ही चीज करनी है। क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी बता दे। हाँ बता दो। तो तुम्हें बस 2,000 रुपए भरने हैं और अपने 3 दोस्तों को ज्वाइन कर लो, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई घूमेगा तू? नहीं ये नहीं हो सकता। सच्ची? बाली इंडोनेशिया का तो पता नहीं, लेकिन मेरा प्रमोशन तो पक्का हो गया। प्रमोशन? प्रमोशन? हाँ प्रमोशन, मैं कांस्टेबल कल्याण दही वाले। ओह नो। कांस्टेबल? तुम दोनों के पीछे पुलिस पहले से लगी हुई है, कोई सबूत नहीं मिला था लेकिन अब खुलासा हो चुका है, मैंने अपने फोन से पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। वो एक्टर और लवर बॉय जो आए थे, उन्होंने कहा था कोई दोस्त आएगा जिसकी एग्जाम प्रॉब्लम चल रही है। वही तो हूँ मैं। और क्या दिया था उन्हें एडवाइस? इन लोगों ने बहुतों को लूटा है, इन्हें रंगे हाथ पकड़ ले दो। अपना प्रमोशन तो पक्का। अभी हम लोग एक नाटक करते हैं, हम लोग तो सिविल कपड़ों में हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम पुलिस हैं। हाँ हम लोग कुछ अलग अलग प्रॉब्लम लेकर जाएंगे उनके पास।
ठीक है, तो मैं करीब करीब 15 दिन बाद इन्हें मिलने जाता हूँ, तुम लोग आज ही जाओ इन्हें मिलने, ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होगी, तू बनेगा एक्टर, जो तुझे बनना है ये रियल लाइफ में, लेकिन तू उन्हें बोलेगा कि तुझे एक्टर बनना है, ठीक है। तू बनेगा लवर बॉय, जिसका आज ही ब्रेकअप हुआ है, 10 साल का रिलेशनशिप टूटा है, तो तुम दोनों अपने भविष्य के बारे में पूछोगे, ठीक है। चलो मुझे निकलना चाहिए, और हाँ, रिकॉर्डिंग करना मत भूलना, हमें कोई भी सबूत छोड़ना नहीं है, ठीक है। हाँ बस, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। तो बनो फिर, किसने रोका है? कास्टिंग डायरेक्टर ने रोका है। बता इसमें क्या टैलेंट है? वैसे तो इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 15 मिनट तक अपनी खुद की सांस रोक सकता है कि नहीं? जी गुरुजी, सही कहा आपने। अरे ये तो अच्छी बात है, मेरी सांस तो 2-2 महीने तक रुक जाती है। कैसे? अपने बेटी से मिलने 2 महीने तक रुक जाती है, तुम्हारे तो 15 मिनट तक रुक कर चली जाती है। अच्छा है ना फिर? है। अरे सास बहू की नहीं, वो सास की बात कर रहा है। ओ अच्छा, फिर ठीक है। देखो वत्स, तुम जिस भी चित्र में काम करोगे उसमें तुम्हारा काम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसा कौन सा रोल है? मतलब मैं हीरो बन जाऊंगा? बताओ मेरा रोल क्या होगा? डेड बॉडी का। लेकिन मैंने इन्हें जितना रीड किया है, ये बंदा बहुत कुछ करेगा लाइफ में एक्टिंग के अलावा। वो कैसे? हाँ वत्स, तुम्हारा जीवन बहुत ही सफल लग रहा है, तुम एक्टिंग करके छोड़ दो और कुछ अलग ट्राई करो। वो कैसे? देखो तुम्हें बस 2,000 रुपए भरना है और अपने 3 दोस्तों को ज्वाइन करवाना है, बाकी तुम्हारा भविष्य हमारे हाथ में है। बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई, पूरा वर्ल्ड टूर कर लोगे तुम तो। चाइना नेटवर्क मार्केटिंग वाले। अरे वाह, ठीक है, मैं अभी ATM से पैसे निकाल के लाता हूँ, तब तक आप मेरे दोस्त को देख लो। अरे ऑनलाइन भी चलेगा? नहीं, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, आप मेरे दोस्त को मिल लो, तब तक मैं कैश लेकर आता हूँ। ठीक है, भेज दो दोस्त को अंदर। अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही लोग हैं, हमारा शक सही निकला, रिकॉर्ड किया ना तूने? हाँ अभी तू जा अंदर, मैं रिकॉर्डिंग कल्याण को भेज रहा हूँ, ठीक है। नमस्ते गुरुजी, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? गुरुजी मेरा ब्रेकअप हुआ है। तुम्हारी जन्म पत्रिका लिखाओ। जी गुरुजी। ये मेरा शिष्य है, ये आपको सोल्यूशन बताएगा। देखो तुम्हारा भविष्य तो अच्छा है, और ना भी होता तो भी मैं ठीक कर देता, लेकिन अभी बात करते हैं वर्तमान की। ठीक है, देखो जिस मंगल को नीचे आना चाहिए वो ऊपर आ चुका है। oh, no! और शनि तुम्हारा जा चुका है। मतलब मेरी बंदी शनि थी? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मिलन हम कराएंगे। सच्ची? अरे मैं नाम का नहीं काम का ज्योतिष हूँ। अरे हम तो प्रेम के पुजारी है, हमारे वजह से 2 दिन मिलते हैं, विवाह होता है, परिवार बनता है, इससे ज्यादा खुशी हमें कैसी होगी। हाँ हाँ, हमें तो इसी में खुशी है। अगले साल तुम्हारी उसी लड़की से शादी होगी। 5 साल बाद तुम बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई जाओगे, वर्ल्ड टूर करोगे। वो कैसे? कुछ नहीं, बस थोड़े पैसों की इन्वेस्टमेंट और आपके कुछ लोग हमारे साथ चाहिए बस। ठीक है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और कितने लोग? 2,000 रुपए और 3 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो आया था उसे कहा है ATM से मेरे लिए भी पैसे निकलने के लिए, तब तक मैं बाहर वेट करता हूँ। और हाँ, 15 दिन बाद हमारा दोस्त कल्याण भी आपसे मिलने आएगा। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बराबर पकड़े गए हो। लोगों के भविष्य बता रहे हो, आपके भविष्य में क्या होगा ये आपको पता नहीं, और मेरा भविष्य बता रहे। मुझे आप दोनों का भविष्य अंधेरे में लग रहा है। आपके भविष्य में तो मंगल और शनि दोनों ऊपर आ चुके हैं, जल्दी जेल में पत्थर फोड़ोगे। ये लोग कहाँ चले गए? कहाँ तक भागेंगे? ये लोग तो पकड़े जाएंगे, लेकिन आप भी मुझे पकड़ सकते हो। कैसे पता है? चैनल को सब्सक्राइब करके। इनकी तो पकड़ो रे सालों को। ए टोनी कसला थाम लसरे वाजव की।